हाय फ्रेंड्स, क्या आप लोगों के पास भी ट्विन बन होम थिएटर सेटअप है एंड आप उसके बॉक्स को वॉल में सेट करना चाहते हैं एंड उसकी वायरिंग भी अंडर वॉल करना चाहते हैं, लेकिन आपसे उसकी वायरिंग करते नहीं बन रही है? सो फ्रेंड्स, ये वीडियो आप ही लोगों के लिए है। मैं आज आपको बताऊंगा कि कैसे आप बड़ी ही ईजीली तरीके से अपने होम थिएटर के बॉक्स को वॉल में सेट भी कर सकते हैं, उसकी वायरिंग भी अंडर वॉल कर सकते हैं। उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरी इस वीडियो को बिना स्किप किए लास्ट तक वॉच करना होगा। तो चलिए फ्रेंड्स, आपका टाइम ना वेस्ट करते हुए मैं आज की वीडियो को स्टार्ट करता हूँ। मेरा नाम है केपी और स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल केपी चॉइस में। चलिए शुरू करते हैं। फ्रेंड्स, होम थिएटर सेटअप करने के लिए आपको अपनी दीवार में पॉइंट छोड़ने होंगे। मैं आपको दिखाऊंगा कि आपको किस तरह के अंडर वॉल पॉइंट छोड़ना है। ये देखिए, ये फ्रंट लेफ्ट का है एंड ये फ्रंट राइट का पॉइंट है एंड ये दो पॉइंट है जिससे स्पीकर की वायर नीचे आएगी नीचे बोर्ड में एंड जो नीचे ये पॉइंट भी है इस पॉइंट से इस बोर्ड में या लेफ्ट साइड वाले बोर्ड में आप जिस बोर्ड में ले जाता है आप एक बोर्ड ला सकते। मैं दो बोर्ड लगाया हूँ एंड फ्रेंड्स, अब मैं आपको सराउंड स्पीकर के ही पॉइंट दिखा देता हूँ। ये सराउंड लेफ्ट स्पीकर का पॉइंट है एंड ये सराउंड राइट स्पीकर का पॉइंट है। मैं आपको 2.1 होम थिएटर का सेटअप बस दिखाऊंगा, मैं 5.1 का आपको बाद में दिखाऊंगा नेक्स्ट वीडियो में। तो चलिए, अरे कहना क्या चाहते हो? अब हम जो इस पर कैप लगी है इस कैप को ओपन कर लेते हैं, पॉइंट की कैप को। इसे ओपन करना बड़ा ही इजी है, आप इसे स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसके स्क्रू खोल के इसको बड़ी इजी तरीके से बाहर निकाल सकते हैं। चलिए इसको ओपन कर रहा हूँ मैं। A few moments later. आपको इसे बड़ी इजी तरीके से स्क्रू ड्राइवर की मदद से स्क्रू खोल लेना है। स्क्रू खोलने के बाद आपको स्क्रू ड्राइवर की मदद से इसकी कैप को बाहर निकाल लेना है। फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से बाहर आ जाएगी। देखिए, इस पर एक पाइपलाइन गई है वायर डालने के लिए एंड ये जो स्क्रू आप देख रहे हैं इस पर हम स्पीकर को वॉल में सेट करेंगे। ऐसे ही आपको सभी पॉइंट्स की कैप को ओपन कर लेना है स्क्रू ड्राइवर की मदद से। ये बड़ी अच्छी बात कही है। ऐसे ही आपको बड़ी इजी तरीके से इसके स्क्रू को ओपन कर लेना है। और स्क्रू ड्राइवर में से इसकी कैप को बाहर निकाल लेना है। देखिए फ्रेंड्स, इस पे भी तीन पाइप गए हैं, एक ऊपर, एक लेफ्ट बोर्ड में एंड एक राइट बोर्ड में। अब आपको क्या करना है, आपको वायर लेना है 1 mm की, आपको वायर लेना है एंड उसे इस प्रकार फैला के फिर पाइप के अंदर आपको डालना है। आप कोई भी वायर ले सकते हैं, मैं तो इलेक्ट्रिसिटी वाली हैवी वायर का यूज़ कर रहा हूँ। आप जितनी अच्छी हैवी वायर यूज़ करेंगे उतना अच्छा रहेगा आपके साउंड के लिए। तो आपको पाइपलाइन के थ्रू डालना है एंड दूसरे साइड के पॉइंट से आपको वायर बाहर निकाल लेना है एंड फिर आपको फिर से इसे डालना है और तीसरे पॉइंट से इसको बाहर निकालना है। मैं आपको इसका डायग्राम बना के बता दूंगा आपको इस प्रकार से करना है एंड आपको इस प्रकार से बाहर निकालने के बाद, देखिए फ्रेंड्स, मैंने यहाँ से वायर डाली एंड यहाँ से इसको बाहर निकाला है। मजा नहीं आ रहा है। एंड अब मैं इसको नीचे वाले पॉइंट की तरफ इसकी पाइपलाइन में डालूंगा, नीचे वाले पॉइंट की साइड जो पाइपलाइन गई है उसमें डालूंगा। आपको इस प्रकार से कुछ उस पर वायर डालना है। फ्रेंड्स, देखिए ये भी नीचे आ चुकी है, ये वायर देखिए बड़ी इजी तरीके से नीचे आ गई है। एंड फ्रेंड्स, अब आपको इसे लेफ्ट साइड के बोर्ड की तरफ की पाइपलाइन में उसको डालना है। आप चाहें तो एक बोर्ड यूज़ कर सकते हैं, मेरे घर में 2 बोर्ड का यूज़ किया गया है। आपको वो आपके ऊपर आप कितने बोर्ड लगा रहे हैं अपने घर में उस हिसाब से इसे कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, मैं लेफ्ट साइड के यहाँ पे अपना एम्पलीफायर या होम थिएटर जो कुछ भी रखूँगा, तो
मैं लेफ्ट साइड से निकालूँ इसकी वायरिंग। देखिए इसकी वायरिंग मैं निकाल लिया हूँ। आपको इसकी वोट यहाँ से वायरिंग लंबी रखनी ताकि आप बड़ी इजी तरीके से अपने होम थिएटर या एम्पलीफायर में वायर के कनेक्शन कर सकें। देखिए फ्रेंड्स, आपको कुछ इस प्रकार से वायर को निकाल लेना है और उसको इस प्रकार से लंबा रखना है। एंड फ्रेंड्स, आपको फिर से वायर लेना है एंड अब हमें राइट साइड के स्पीकर की वायरिंग डालना है। इसको ही सेम टू सेम डालना है, आपको पाइपलाइन के अंदर डालना है। सेकंड पॉइंट में आपको इसे बाहर निकालना है। तो आपको इस प्रकार से कुछ अंदर डालते जाना है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये सेकंड पॉइंट के पास इसकी वायर आ चुकी है। एंड फ्रेंड्स, अब मैं इसे नीचे वाले पॉइंट की तरफ इसे शिफ्ट करूँगा पाइपलाइन के थ्रू। तो आपको कुछ इस प्रकार से इसको फिर से नीचे वाली पाइपलाइन में डालना है। आपको इसे खींचते जाना और डालते जाना, बड़ा ही ईजी काम है फ्रेंड्स ये। तो फ्रेंड्स, आपको वायर खींचते जाना और इसको नीचे वाले पॉइंट की तरफ डालते जाना है, ये बड़ा ईजी काम है। तो देखिए फ्रेंड्स, ये वायर भी नीचे की तरफ आ चुकी है। अब हम इसको भी हम बोर्ड की तरफ डालेंगे, लेफ्ट साइड वाले बोर्ड की तरफ। इसको भी आपको ऐसे खींचते जाना है एंड डालते जाना है। एंड फ्रेंड्स, जब तक आपकी पूरी वायर ना डल जाए आपको वायर को कट नहीं करना है। फिर जब आपकी वायर डल जाए तब आपको उसके हिसाब से कट कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आप खींचते जाना और डालते जाना है। सो फ्रेंड्स, देखिए इस साइड भी इसकी वायर निकल के आ चुकी है। एंड फ्रेंड्स, आपको इन दोनों की वायर लंबी रखना है, भले आप स्पीकर के यहाँ से इसकी वायरिंग छोटी रख सकते हैं, लेकिन आपको बोर्ड के यहाँ से वायर लंबी रखना है। तो चलिए अब इसे कट कर लेते हैं। फ्रेंड्स, मैंने इसे कट कर लिया है एंड इसकी कैप में मैंने एक होल कर लिया है। एंड मैं कैप को वापस उसकी जगह में उसे वापस कर दूँगा। एंड जो कैप का होल है उस होल से मैं इस वायर को बाहर निकालूँगा। कुछ इस प्रकार से आपको इसे बाहर निकाल लेना है एंड इसको फिर से वापस कस देना है। एंड इसको वापस लगाने के बाद आपको इसे स्क्रू से वापस टाइटली कस लेना है। ऐसे ही फ्रेंड्स, मैंने राइट साइड के स्पीकर की वायर निकाल ली एंड कस लिया एंड मैं सारे कैप को पैक कर दिया है। एंड फ्रेंड्स, अब मैं बॉक्स लूँगा, ये फ्रंट राइट का बॉक्स है। मैं इसे वॉल क्लैंप की मदद से वॉल पे सेट करूँगा। ये वॉल क्लैंप आपको मार्केट में आसानी से अवेलेबल हो जाएंगे। आप चाहें तो दो वॉल क्लैंप लगा सकते हैं। मैं एक वॉल क्लैंप को यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास जो 4 इंच का स्पीकर उसके लिए वो बेस्ट है और मैं इसको सेंटर में लगाऊँगा। आप जैसे चाहे वैसे लगा सकते हैं एंड इसको स्क्रू की मदद से इसमें टाइटली कस दूंगा। फ्रेंड्स, आप चाहें तो आप दो वॉल क्लैंप लगा सकते हैं एक बॉक्स में, लेकिन मैं इसको सेंटर में लगा रहा हूँ क्योंकि दो वॉल क्लैंप बड़े स्पीकर के काम आते हैं। सो फ्रेंड्स, मैं इसके सेंटर में एक ही वॉल क्लैंप लगा रहा हूँ और इसे टाइटली कस देना है। इस प्रकार से आपको इसे टाइटली कस देना है। सो फ्रेंड्स, ये कुछ इस प्रकार से मैं इसे कस लेना है एंड आपको वीडियो बिल्कुल भी स्किप नहीं करना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसको लगा लिया है। ऐसे ही मेरे फ्रंट लेफ्ट के स्पीकर पे भी क्लैंप लगा लिया है। अब फ्रेंड्स, हम बॉक्स को वॉल में सेट करेंगे। आपको क्या करना है, जो आपने स्क्रू लगाया था वॉल में उसमें आपको क्लैंप के थ्रू लटका देना है एंड इसकी वायरिंग कर लेना है। फ्रेंड्स, मैंने एक हाथ से अपना मोबाइल पकड़ा वीडियो बनाने के लिए एक हाथ से मैं वायरिंग कर रहा हूँ। तो फ्रेंड्स, मैं आपको वायरिंग करके पहले कर लूँगा फिर दिखाऊँगा। सो फ्रेंड्स, मैंने इसकी वायरिंग कर ली है।
अब मैं इस पर टेपिंग कर लूँगा। तो मैं इसकी टेपिंग भी कर ली, अब मैं इसकी वायर को बॉक्स के पीछे कर दूँगा। तो देखिए फ्रेंड्स, इस प्रकार से आपकी वायर भी नहीं देखेगी एंड ये इस तरीके से सेट हो जाएगा। एंड फ्रेंड्स, अब मैं लेफ्ट साइड के स्पीकर को लगाऊंगा। इसकी वायरिंग छोटी है तो मैं पहले इसकी वायरिंग कर लूँगा, फिर आपको दिखाऊंगा। सेम प्रोसेस वही है जैसे आपने फ्रंट राइट लगाया, वैसे ही आपको फ्रंट लेफ्ट भी लगाना है। देखिए फ्रेंड्स, मैंने इसकी वायरिंग कर ली है, आपको एक बार फिर से दिखा रहा हूँ इसकी वायरिंग। मैं इसकी वायरिंग कर ली है, तो देखिए फ्रेंड्स, मैं आपको दिखाऊंगी किस प्रकार से लगेगा। सो फ्रेंड्स, तो कुछ किस प्रकार से आपकी वायरिंग स्टार्ट हो जाएगी। हमें ऑडिट टेबल लेना है, आपको दो ऑडिट टेबल लेना है, फ्रंट लेफ्ट के लिए, फ्रंट राइट के लिए। लेफ्ट राइट के लिए आपको दो टेबल लेना है। एंड हमें जो वॉइस से जो बाहर निकाल था, तो मैंने एक तो लेफ्ट साइड पर उस पर ऐसे एक कठान मार दी थी ताकि कंफ्यूजन ना हो। आप अलग अलग कलर के बार यूज़ कर सकते हैं। अब हम फ्रेंड्स इस बार को कटर की मदद से कट कर लेंगे एंड इसके अंदर जो कॉपर वायर है उसे बाहर निकाल लेंगे कटर की मदद से। यह काम बड़े आपको सावधानीपूर्वक करना है, कहीं आपकी वायर ना कट जाए, तो बाहर वाली वायर कटे अंदर वाली में। आपको कुछ इस प्रकार से इसका कॉपर वायर बाहर निकालना है। तो देखिए मैं दोनों निकाल लिया एंड इस पर हमें केबल को ऑडियो केबल जो है उसे इसके साथ कनेक्ट कर लेना है। तो फ्रेंड्स, आप कुछ इस प्रकार से ऐसे वायर को ट्विस्ट कर लेना है दोनों को। ऐसे ही आपको दूसरा वाला वायर भी जोड़ लेना है। एंड फ्रेंड्स, अब आपको इस पर टेपिंग कर लेना है। आपको इलेक्ट्रिक टेप यूज़ करना है, या आपके पास जो भी टेप हो आप उस टेप को यूज़ कर सकते हैं। फिलहाल मेरे पास इलेक्ट्रिकल टेप मौजूद है, तो मैं इसी का यूज़ करूँगा। तो फ्रेंड्स, आपको कुछ इस प्रकार से इसकी चारों तरफ से टेपिंग कर लेना है ताकि ये शॉर्ट ना हो, वरना इसकी वजह से आपका एम्पलीफायर या होम थिएटर आप जो भी यूज़ करेंगे वो उसकी आईसी ख़राब हो सकती है। तो फ्रेंड्स, आपको इस प्रकार से इसकी दोनों साइड पे टेपिंग कर लेना है। चलिए फ्रेंड्स, अब हम फ्रंट लेफ्ट स्पीकर की भी वायरिंग कर लेते हैं। इसको भी आपको सेम कटर से कट कर लेना है। एंड फ्रेंड्स, इसकी कॉपर वायर को बाहर निकाल लेना है। कुछ इस प्रकार से आपको इस कॉपर वायर को बाहर निकाल लेना है। आपको कटर की मदद से इसकी कॉपर वायर जो है बाहर निकाल लेना है। इस प्रकार से आपको उसकी वायर को बाहर निकाल लेना है, कॉपर वायर को। एंड फ्रेंड्स, अब आपको इस पर भी ऑडियो केबल को अटैच कर लेना है, कुछ इस प्रकार से एंड टेपिंग कर लेना है। आपको कुछ इस प्रकार से वायर अटैच करके टेपिंग कर लेना है। इस प्रकार से आपको इसकी टेपिंग कर लेना है। तो देखिए फ्रेंड्स, मैंने दोनों स्पीकर पे ऑडियो केबल लगा दी है दोनों बॉक्स पे। सो फ्रेंड्स, आपको इस पे पहले राइट स्पीकर की पिन लगा देना है। मैं इसके कनेक्शन कर लेता हूँ एंड फिर आपको इस पे लेफ्ट स्पीकर की पिन भी लगा देना है, ऑडियो पिन।
फ्रेंड्स आपको ये डायग्राम देख के समझ जाना है, जो रेड वाली लाइन है वो लेफ्ट स्पीकर की है एंड जो ब्लू वाली लाइन है वो राइट स्पीकर की है। मेरे घर की वायरिंग कुछ इस प्रकार से आप उसे देख के समझ सकते हैं। तो चलिए फ्रेंड्स अब हम इसकी साउंड टेस्टिंग कर लेते हैं, आपको इसकी ऑडियो इनपुट भी फंसा देना है एंड अब हम इसे ऑन कर लेते हैं। एंड अब मैं इसमें ऑडियो इनपुट दूंगा अपने फ़ोन से, मैंने इस पर फ़ोन फंसा दिया है ऑडियो इनपुट। मैं इस पर आपको एनशियस का सॉन्ग प्ले करके दिखाऊंगा, क्योंकि अगर मैं अदर सॉन्ग यूज़ करूँगा तो मेरे पे कॉपीराइट क्लेम आ जाएगा वीडियो में। तो मैं यूट्यूब पे जाके एनशियस का सॉन्ग प्ले करूँगा। एंड फ्रेंड्स साउंड टेस्टिंग के लिए आप हेडफोन का यूज़ शुरू कीजिएगा। दुनिया में आते ही हमें मिलने लगते हैं सर्टिफिकेट, कुछ सर्टिफिकेट रोशन करते हैं नाम। फ्रेंड्स अगर आपको मेरी ये वीडियो पसंद आई हो तो मेरी वीडियो को लाइक करें, कमेंट करें, ज़्यादा शेयर करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। एंड फ्रेंड्स मैंने आपको 2.1 होम थिएटर के सेटअप के साथ साथ 5.1 होम थिएटर के कनेक्शन भी दिखाए थे। अगर आप लोग चाहते हैं कि मैं आप लोगों के लिए 5.1 होम थिएटर की वीडियो लेके आऊँ एंड उसके सेटअप की भी वीडियो लेके आऊँ, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा, मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखना होगा एंड उसके बेल आइकन को ऑल पे सेट करके रखना होगा, ताकि मैं उसकी वीडियो जब भी लेके आऊँ तो सबसे पहले आपके पास वो वीडियो पहुँच जाए। एंड फ्रेंड्स मैं 2.1 होम थिएटर की वीडियो भी अपने चैनल पर अपलोड करके रखी हुई है, अगर आप लोग भी उसे चेकआउट करना चाहते हैं तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा, जहाँ से आप उसे चेकआउट कर सकते हैं। थैंक यू सो मच।